टू सुपर इंस्पायर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ अच्छे प्रश्न लिए हुए हैं जिनके अंदर करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न इंक्लूड हैं। उन सभी प्रश्नों को आप खुद ट्राई करेगा। आप मेरे आंसर जवाब देने से पहले खुद भी आप कमेंट करके सभी क्वेश्चंस के आंसर आप बता सकते हैं। ये जितने भी मैं प्रश्न इस वीडियो के अंदर ले रहा हूँ वो काफ़ी खास हैं, मतलब आपके पेपर के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल टाइम पास है, इसी तरह की बेकार की वीडियोज़ है। चलेगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज के बाद इस तरह की जो वीडियोस आप देखेंगे वो ज़्यादातर मेरे अपने घर से, जो मेरा विलेज में गांव में घर है वहीं से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट में आगरा में नहीं हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कादंबरी के लेखक कौन है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपर में कि कादंबरी एक उपन्यास है। आप सबको पता होगा कि संस्कृत में लिखा गया था, काफ़ी बड़ा उपन्यास है, और इसके आपको लेखक का नाम बताना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। आप सबको एकदम सही बात है कि देखिए कादंबरी जो है वो संस्कृत का एक बहुत बड़ा महान उपन्यास है, और इसका जो लेखन किया था वो बाण भट्ट जी ने किया था। एक और बात, देखिए हर्षचरित्र, इनका ये हर्षचरित्र, इसका भी जो लेखन है वो बाण भट्ट जी के द्वारा किया गया था। बहुत सिंपल प्रश्न है। इसके बाद अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरा सेकेंड क्वेश्चन, और कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आप सबको पता होगा कि 2015 में ये स्टार्ट हुई थी, का टाइम पीरियड कब से लेकर के कब तक था। आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये चलाई गई योजना थी, जिसमें क्या होता है कि जिनके पास आवास नहीं है उनको कौन सी ईयर तक ये पूरी जो योजना है वो चलेगी, यानी उनके अकॉर्डिंग, यानी कि उस ईयर तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भारत में जितने भी जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिल जाएंगे। तो वो जो ईयर है वो कब से लेकर के कब तक, ये जो का राइट आंसर आपने एकदम सही दिया कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी वो सन 2015 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य था कि सन 2022 तक भारत के अंदर जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दिलाने का, इस योजना का, केंद्र सरकार की योजना है, इसका कार्य था। और अब मैं आपसे पूछता हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन। मुझे जरा आप ये बताइए कि हमारे भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है। चार ऑप्शन को पढ़ करके आराम से पढ़िएगा, आराम से इसको आप सोचिएगा कि वो जो चोटी है वो किस राज्य के अंदर है। ये सब आपको छोटी छोटी जानकारी आप सबको पता होना चाहिए। पहली बात तो प्रायद्वीप ही उसको बोलते हैं, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे आपको सबको पता होगा जो, यानी कि जैसे हमारे भारत का जो नक्शा है वो ऐसे करके ऐसे आता है, तो इसमें क्या होता है कि तीनों तरफ से जो घिरा रहता है वो क्षेत्र वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप के अंदर सबसे ऊँची चोटी है वो कौन सी है। एकदम सही जवाब दिया। देखिएगा अन्नाई मुंडी, अन्नाई मुंडी ये सबसे बड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी है। आप सबको पता होगा इसकी जो चोटी की जो ऊंचाई है वो 2696 मीटर है, यानी कि 2696 मीटर इसकी जो है वो ऊंचाई है। मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जो अन्नाई मुंडी है ना, ये जो चोटी है वो केरल राज्य के अंदर पाई जाती है। अन्नामलाई, यानी अन्नामलाई ये क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ का क्षेत्र है, इसमें से वो चोटी निकल के गई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि लेबर डे कब मनाया जाता है। आप सबको ये बहुत अच्छी तरीके से बताना है कि लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा 1 मई, यानी कि 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसमें जो ऑप्शन है एक दिया था 10 जनवरी, आपको मैं बता दूं 10 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है कि संसार में, यानी कि समझिए वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। आपके मन में एक सवाल होगा कि सर 14 सितंबर को भी तो मनाया जाता है। नहीं, वो हमारा जो, यानी कि भारत का जो हिंदी दिवस है ना वो मनाया जाता है, भारतीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है इंडिया के अंदर वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड के अंदर, इन वर्ल्ड में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए जो दिन है वो 10 जनवरी है। और एक और इसमें डेट था जो कि मैं मेंशन कर दूं, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर जो वो ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब डेट जितने भी यू नो डेट्स हैं उन सबको आप याद कर रहे हैं। इससे पूछता हूँ मेरा अपना 5वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ध्यान से दीजिएगा कि पंचशील जो नारा दिया था इसका संबंध किस राजनेता से है। जल्दी से बताइएगा कि पंचशील का नारा किसने दिया था। आई गिव यू 5 सेकेंड्स क्विक। आपका राइट आंसर है कि देखिए भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस नारे को दिया था। पंचशील का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। अब आप मुझे जरा छोटा सा एक कमेंट करके बताओ कि पंचशील का नारा मतलब ये है क्या, ये क्यों दिया गया था, जल्दी से बताइए। पूछता हूँ मेरी इंडिया का जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार हमारे इंडिया की प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना जनसंख्या घनत्व है हमारे इंडिया के अंदर। जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको सही तरीके से पढ़ के आप मुझे बताइए। एग्जैक्ट आंसर आपने एकदम सही दिया है कि यानी कि भारत की जनसंख्या जो घनत्व है वो जो एक फिक्स डिजिट है वो 382 यानी 382 वर्ग किलोमीटर, यानी कि हमारे भारत का पूरे भारत का डेंसिटी आपको दे रखा है। एक और चीज याद रखना कि बिहार राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है, लेकिन जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर 11.6 यानी कि 1106 वर्ग किलोमीटर, ये इसका जनसंख्या घनत्व है बिहार का। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है कि इंडिया के अंदर हमारे भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम बताना आपको, जो कि कई बार पेपर में आ चुकी है। हमारे भारत की आय का यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर ऐड किया हुआ है। इसके अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे वो सब आपके लिए ज़रूरी हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए वो कौन सी संस्था है। एकदम सही जवाब दिया, CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको बोलते हैं CSO। और CSO जो होती है वो हमारे इंडिया की राष्ट्रीय आय का आकलन जो करती है वो यही संस्था संभालती है। प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट यानी कि प्रमुख तत्व होता है वो कौन सा होता है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सही समझा, सही क्वेश्चन का कमेंट किया कि जो नेचुरल गैस होती है उसके अंदर मीथेन जो गैस होती है वो 80% पाई जाती है, और ऐसे में क्या होता है कि इसकी जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। देखो मीथेन गैस क्या होता है, वो नेचुरल गैस इसे ज़्यादातर बोलते हैं क्योंकि मीथेन गैस ही नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा पार्ट जो है रखती है, अपना हिस्सा रखती है। याद रख लेना है कि घरों के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली जो LPG गैस होती है उसका जो मिश्रण होता है वो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसके अंदर ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है। और आपको ये बताना है कि अगर LPG सिलेंडर के अंदर वो कौन सी गैस मिलाई जाती है ताकि अगर कहीं लीकेज हो जाए तो उसका पता चल जाए। क्योंकि इसमें होता क्या होता है ना, जो LPG गैस होती है ना मेरे भाई, जो ब्यूटेन प्रोपेन, ये क्या होता है, रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, इनकी गंध आपको नहीं जो है आप नहीं सूंघ सकते हो, तो इसीलिए उसके अंदर एक अलग से गैस डाली जाती है ताकि लीकेज होने पर इसका पता चल सके। अच्छा सा प्रश्न आ चुका है, आप सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा कि आपको मुझे बताना है कि महात्मा गांधी जी जो है वो कांग्रेस के किस सन में अध्यक्ष बने थे। आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने सुन लीजिएगा कि महात्मा गांधी, और एक और बात, ये सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो कौन सी सन में और कौन सा अधिवेशन हुआ था। एकदम एग्जैक्ट आंसर है 1924 यानी कि 1924 के अंदर जो बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर गांधी जी को कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये कई बार पूछा गया, और एक क्वेश्चन तो मुझे ये जब मैं पेपर चेक कर रहा था जिनमें से मैंने क्वेश्चंस को लिख रहा था तो उसमें मुझे पता चला एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था
कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, तो उसको भी आपको याद कर लेना है, 1920 में स्टार्ट गया था। और 1919 के अंदर आपको याद कर लेना है जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर पंजाब, प्रारंभ में अकबर के संरक्षक कौन थे। ये प्रश्न बहुत सिंपल है, कई बार रिपीट हुआ है और उनको एक उपाधि भी दी गई थी, खान ए खाना जिनको उपाधि दी गई थी। और जल्दी से बताइएगा मुझे, और इस सब का एकदम राइट आंसर आप सबने दिया है कि जो बैरम खान, ये आपने कई बार सुना होगा कि बैरम खान जो थे वो अकबर के संरक्षक थे, ठीक है। और एक और चीज देखो, खाने खाना जो है इनको उपाधि दी गई थी बैरम खान को अकबर के द्वारा। और एक और चीज देखो, ये जो बैरम खान थे ना वो सिया यानी फारस के सिया संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो ये तीन चार पॉइंट बैरम खान के बारे में आप सबको याद कर लेना है। अब इसके बाद मैं आपसे एक छोटा सा सवाल अभी कमेंट करके बताओ कि अकबर का जन्म कब हुआ था। बताना है कि भारत के अंदर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये बहुत सिंपल सा है, और जल्दी से कमेंट करके बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 324 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि भारत के अंदर जो भी निर्वाचन प्रणाली है उसकी देखरेख जो है वो निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाएगी। आपको मुझे बताना है कि हमारे अभी रिसेंटली मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन है। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर सबसे पसंदीदार जो ब्रांड बना है वो कौन सा बना है, क्या एप्पल है, सैमसंग है, यानी लेनोवो है, या फिर कौन सा ब्रांड है जो सबसे बेस्ट ब्रांड जो है वो माना गया। सही जवाब हो जाएगा सैमसंग, यानी कि सैमसंग जो है उसने हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रांड के रूप में सबसे उभर के आया है। तो ये आपको याद कर लेना, इस बार सैमसंग सबसे फर्स्ट नंबर पर। आपको मुझे बताना एक छोटा सा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन जो वो कब चालू हुआ था, किसने चालू करवाया था, तो एग्जैक्ट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। का राइट आंसर हो जाएगा 1920 के अंदर, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर जो उसे स्टार्ट। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे प्रश्न लगे होंगे, कमेंट करके बताइए आज का ये प्रयास आपको सबको कैसा लगा, कमेंट करके बताओ। और किस किस टाइप के आप सबको प्रश्न चाहिए ताकि मैं अच्छे से क्वेश्चंस को कलेक्ट कर सकूं। इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न हैं आप उन सबको खुद अटेम्प्ट किया करें, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। और ये भरोसा मैं आपको दिलावाता हूं कि इस वीडियो के जितने वीडियोज आएंगी उन सब का मोटिव यार आप सबकी नॉलेज को बढ़ाना है। बिल्कुल भी इंजॉयफुल मस्ती के मूड में इस तरह की वीडियो नहीं शूट की जाती। चलेगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस डेली आती हैं, अभी रिसेंटली कल आई थी, उसको आप देख लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।